मैं जब लॉकडाउन में वीडियोस देख रहा था ना लोगों की, जो लोग फिटनेस की वीडियोस बना रहे थे, तो मुझे कुछ खास रिस्पेक्ट थी नहीं, मुझे लगता था ये तो कोई भी कर लेगा। लेकिन अब रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ये सोचा कि मैं फिट होता हूँ तो खाली तो बैठेंगे, क्यों ना फिटनेस पे ध्यान दिया जाए। तो मैंने एक ट्रेनर से बात करी और उन ट्रेनर साहब ने मुझे पूरा बताया कि देखिए आपको डाइट और एक्सरसाइज दोनों चीज़ों पर फोकस करना है। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो मैंने पूछा डाइट बताइए आप, उसने मुझे डाइट बताई कि आपको स्प्राउट्स, मोस्टली दूध, अंडा, पनीर, फ्रूट्स और भी बहुत सारी चीज़ें, प्लस 3 टाइम खाना खाना है। मैं कहा सर इतना तो टाइम ही नहीं मेरे पास कि मैं इतना सारा सामान एक साथ खा सकूं, ये 3 4 दिन में तो खा लूंगा मैं। उसने कहा नहीं है, रोज खाना है, मैं 3 बजे तो सो के उठता हूँ, उसके बाद मैं 3 टाइम खाना खा लूँ यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं वही मेंटेन नहीं कर पाता। अब वो कह रहा है आप अपनी नींद कम करिए, आप 6 घंटे सोइए, 6 घंटे में इंसान की नींद पूरी हो जाती है। अरे हो जाती होगी भाई, यहाँ 6 घंटे एक बार में सोना पड़ता है, फिर 1 1 घंटे 6 बार सोना पड़ता है, तब जाके लगता है कि हाँ लाइफ में कुछ किया है। और इतना सारा खाना कौन खाता है यार, उस जितना खाना ये है मैं उसे देख के पेट भर जाता है मेरा, मैं घोड़ा थोड़ी ना हूँ बहन चो, इतना खाना क्यों खाना है। खा लिया ठीक है, हाँ पेट भर गया, मैगी खाई है अभी, 2 मैगी खाई है अब 4 घंटे के लिए ठीक है। फ्रूट्स मंगाने के लिए बोला उसने मुझे, पूछा फ्रूट्स आपने आखिरी बार कब खाए थे, मैं कहा 2003 में, तो मैंने लगभग स्कूल में खाया हूँ आखिरी बार फ्रूट्स। उसने मुझसे फ्रूट्स मंगाने के लिए बोला, मैंने फ्रूट्स मंगाए, एक तो ये भेजा उसने, ये रईसों का चीकू, ये कीवी एक बार खा लिया, हाँ टेस्ट कर लिया ठीक है, अभी रोज रोज थोड़ी खाएंगे इसको, ठीक था हाँ ओके। एक तो सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि मैंने अंगूर मंगाया और अंगूर में बीज निकल गया यार, बीज कब से आने लगे अंगूर में, मैंने आखिरी बार खाया था तब तो नहीं थे बीज, ये इतना इवॉल्व कर गया कि बीच में ये 10 15 साल मेरे कहाँ मिस हो गए हैं। और ये सब तो करना ही करना है, इसके अलावा 4 लीटर पानी पीना है। एक काम करिए आरओ बांध दे मेरी कमर पे, मैं सारा ही पानी पी लूंगा, हद है यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास भाई। अब फोन करता रहता है हर थोड़ी देर में, मैं 2 बार तो रॉन्ग नंबर बोल के उसका फोन रख चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले उसका फोन आया तो मैंने उसे गाना सुना के रख दिया। बस मैंने इतना बोल के फोन रख दिया, मैं कहा मुझे माफ कर दे यार, यार खून पी गया वो मेरा। इस सबको करने के बाद एक्सरसाइज करनी है, एक काम करते हैं एक दिन सारा खा लेते हैं, एक दिन एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक ही दिन में तो ये सब नहीं हो सकता, ये एक हफ्ता कर लेते हैं, एक हफ्ता खा लेते हैं, एक हफ्ता एक्सरसाइज कर लेंगे। और एक्सरसाइज भी तो क्या, एक भी एक्सरसाइज नहीं है जो लेट के हो सके या बीन बैग पे बैठ के हो सके। एक शांतिपूर्वक एक्सरसाइज बताई है उसने, वो है मेडिटेशन, कि आप 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करिए। वो मेडिटेशन करते ही मेरे दिमाग में आया कि वीडियो बना लेते हैं, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा मेडिटेशन, ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ में। प्लैंक बनाया उसने मुझे, वो फट्टा बनाया ऐसे करके बैठे, 5 सेकंड में मेरा मुंह लगा नीचे। मैं क्यों ऐसे बैलेंस बना रहा हूँ जब मैं लेट सकता हूँ, क्यों जो तो 2 2 किलो के डंबल से मैंने बाइसेप करी है, मैं कल से वॉल नहीं लगा लगा के थक गया हूँ, सुट्टा मारने में हाथ में दर्द हो रहा है मेरे। और ये सब पूरी मेहनत अगर कर भी लो तो भी कोई रिवॉर्ड नहीं है इस चीज का। आप ना दारू पी सकते, ना बियर पी सकते, ना चाय पी सकते, ना छोले भटूरे खा सकते, ना बिरयानी खा सकते, तो कत्ल कर देना मेरा, गलती होगी तो उससे फोन करके यहाँ लाके चाकू मार दे, मेरे बात ही खत्म कर दे। एक मुझे साइकिल दिला दी है, वो स्टेशनरी बाइक, पता नहीं बाइक क्यों कहते, एक भी फीचर बाइक वाला तो नहीं है उसमें, साइकिल चलवाने को बोल रहा है, रोज साइकिल चलाओ 10 किलोमीटर, अखबार वाला बनना है क्या मुझे, साइकिल चलाऊ मैं। एग्जाम्पल भी तो किस किस के दे रहा है मुझे, विराट कोहली का एग्जाम्पल दे रहा है, कोहली 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 है यार, मुझे क्या भाग के रन लेने हैं। मुझसे पूछ रहा आप कौन से सेलिब्रिटी को एडमायर करते हो, मैं कहा नुसरत फतेह अली खान साहब को, बना दो उनके से बना दो, मैं अभी बन जाऊंगा। और ये सारा काम अगर करना है, इस सारे काम को करने के मैं पैसे क्यों दे रहा हूँ, इतना काम करने के मुझे पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, इससे कम काम करने के तो मैं वैसे ही पैसे कमाता हूँ। पता नहीं क्यों मैंने सोच लिया है कि फिट होना है भाई, जो जो लोग फिट रहते हैं बहुत अच्छी बात है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, हैट्स ऑफ ऑल्सो। हो गया मेरा 2 दिन में ही मुझे लग गया कि हाँ बस ठीक है, लाइफ तो ऐसे भी कट ही सकती है, इतना कोई लोड नहीं है। बोल रहे आपके 6 पैक एब्स बनाएंगे, अरे नहीं चाहिए भाई, मेरे एब्स बन भी गए तो पहले एब्स आएंगे, फिर उन्हें दिखाने के लिए मुझे वैक्सिंग करानी पड़ेगी, और मैं उससे बहुत दूर हूँ अपनी लाइफ में, मुझे नहीं चाहिए। आप एक काम करो मेरी तरफ से भी कर लो, पैसे ले लो मुझसे, आप एक काम करो पैसे ले लो मेरी तरफ से कर लो। मैंने अब डिसाइड करा, लेकिन क्योंकि मैं 1 या 2 ऐप तो ला के रहूंगा, इतना तो मैं करूंगा, बिल्कुल ही हिम्मत नहीं आ रहा, मैं भी जा रहा हूँ वर्कआउट करने। एक तो वो वर्कआउट करो ना तो उसे वीडियो बना के भेजनी पड़ती है, तो पहले करो फिर वीडियो बनाओ फिर उसे भेजो, फिर वो बताएगा कि आपने सही करा है कि गलत करा है। उसने मुझसे बोला 50 पुशअप्स करो, मैंने 50 पुशअप्स करके उसे वीडियो बना के भेज दी। अब वो कह रहा है कि आपने वीडियो एडिट करी है, अरे तो यार एक बार में थोड़ी ना कर लूंगा 50 पुशअप, पूरा दिन लगाया मुझे बीच बीच में कर करके, तुझे इस बात से क्या मतलब वीडियो एडिट करी है, शुक्र समझ मैंने जिफ नहीं भेजा, मैं बोल देता 50 बार प्ले करके देख ले। अब फिर मुझे यही करना जा रहा हूँ, वर्कआउट करने अभी से वीडियो बनाऊंगा इसकी, पर ठीक है मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड तो हूं अभी 1 पैक एप्स बनाने के लिए, अभी देखते हैं। मैं ये वीडियो अटैच कर रहा हूँ साथ में वर्कआउट की, तो
देखते हैं कितने दिन में असर होता है। दिल का सौदा हुआ चांदनी रात।